हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम श्रीपाद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो, पिछले वाले एपिसोड में हमने टू वेरिएबल के मैप के ऊपर बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में डिस्कस किए थे। वहां मैंने आपको बताया था कैसे आपको सारे रूल्स फॉलो करते हुए के मैप का आउटपुट लिखना है, मतलब रिड्यूस फॉर्म में आपको अगर आउटपुट चाहिए तो वो रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप एक दो टर्म ज्यादा लिख लेंगे वो भी आपका आउटपुट वही देगा जो रिड्यूस फॉर्म वाला देगा, लेकिन फिर वो रिड्यूस फॉर्म वाला आउटपुट नहीं माना जाएगा। ये मैंने आपको वहां बताया था। तो देखो, वो बहुत ही जरूरी है रिड्यूस फॉर्म में आउटपुट लिखना, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं करनी है सर्किट की। इसीलिए केमैप जब आप सॉल्व करते हैं तो केमैप का मोटो ही वो है कि रिड्यूस फॉर्म में आपका आउटपुट कैसे आएगा वो आपको देखना है। आपको ज्यादा टर्म्स उसमें बढ़ानी नहीं है, रिडक्शन आपको करना है, जितना पॉसिबल है उतना पूरा रिड्यूस फॉर्म में आपका आउटपुट आना चाहिए। और डोंट केयर के साथ कैसे डील करते वो मेरे पूरे आपको पूरा बताया था, तो वो पूरा आपके दिमाग में अभी हो गया होगा। ठीक है, अभी हम टू वेरिएबल्स का हमने पूरा डिस्कस किया, अभी थ्री वेरिएबल्स के प्रॉब्लम्स भी हम अभी यहाँ डिस्कस करने वाले, तो एक एक प्रॉब्लम की तरफ हम आगे मूव करते। तो थ्री वेरिएबल्स, तो देखो फंक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी, देखो थ्री वेरिएबल्स मैंने लिया अभी ए बी सी। ए इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और बी सी आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स में आएंगे हॉरिजॉन्टली। कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली थ्री वेरिएबल का मैं कैसे बनाता हूँ वैसे उसके अकॉर्डिंग मैं अभी यहाँ बनाऊंगा। आप उसके रिवर्स भी बनाना चाहते हैं तो आपको वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी जो मैंने आपको उस एपिसोड में बताई थी, बराबर है, बेसिक के एपिसोड में। तो फंक्शन ए बी सी इज इक्वल्स टू समेशन, एसओपी में आपको आउटपुट दे रहा हूं समेशन 0, 1, 6, 7। ठीक है, तो ये मैंने आपको दे दिया। अभी देखो ये थ्री वेरिएबल्स है, तो थ्री वेरिएबल का के मैप अभी आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो थ्री वेरिएबल का के मैप मतलब कितने बिट्स रहेंगे, 2n 2 3, मतलब 8 बॉक्सेस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो 8 बॉक्सेस मैंने ऐसे प्रोवाइड किए, यहां मैं ऐसा ही सॉल्व करूंगा, ए मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है तो ए बार ए, और बी सी ग्रे कोडिंग के हिसाब से यहां लिखूंगा। ये कैसे लिखते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया है बेसिक के एपिसोड में, अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया। अभी देखो यहां आपके डेसिमल में नंबर्स आप जो अंदर पुट अप करते वो कैसे होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आप पुट अप करते हैं नंबर्स, आपको पता होगा, बराबर है। अगर आपको ये पता नहीं तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ए बार बी बार सी बार 0, ए बार बी बार सी 1, ऐसे चेक करके लिखो फिर, बराबर है। लेकिन आपके दिमाग में आ ही जाएगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ऐसे ही लिखेंगे, बराबर है। अभी देखो 0, 1, 6, 7 के रिस्पेक्ट में आपका एंट्री क्या होगी, अभी 1 होगी क्योंकि समेशन के फॉर्मेट में एसओपी में आपका आउटपुट मैंने यहां लिखा है। तो 0 के रिस्पेक्ट में मेरी एंट्री 1 है और 1 के रिस्पेक्ट में 1 है, 6, 7, 6 और 7 के रिस्पेक्ट में मेरी एंट्री 1, 1 है। यहां कोई डोंट केयर मैंने दिया नहीं है, तो डोंट केयर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अभी यहां डील करना है। तो अभी देखो ये 1, 1 आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी एक 1 की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो, सबसे पहले जो अनयूज होगा, तो ये अनयूज 1 है, इसके साथ हमने खेला नहीं है, तो यहां मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। अभी इस 1 के साथ क्या मैं पहले ऑक्टेट बना सकता हूँ, ऑक्टेट बनाने के लिए 8 बॉक्स लगते हैं और 8 बॉक्सेस में सारे में 1 होने चाहिए, फिर इसके अगल बगल में ऑक्टेट नहीं बन रही तो फिर क्वाड की तरफ देखो, क्वाड बनता है क्या, यहाँ 1 है इसके बगल में 1 है, अगर नीचे यहाँ 1, 1 होता तो ये पूरा ऐसा क्वाड बन जाता, लेकिन यहाँ नहीं है तो क्वाड भी नहीं बन रही है। अगर यहाँ 1 यहाँ 1 और इसके पास यहाँ 1 यहाँ 1 ऐसा होता तो ऐसा एक क्वाड बन जाता है, ऐसा भी क्वाड बनता है यहाँ कॉर्नर में, आपको पता है। तो यहाँ भी 1 चाहिए था फिर और यहाँ भी 1 चाहिए था, नहीं है तो वैसा भी क्वाड नहीं बन रहा है, तो क्वाड भी पॉसिबल नहीं है। अभी पेयर की तरफ आओ, अभी इस 1 के साथ क्या यहाँ 1 है, कोई ऐसी पेयर बन जाती तो नहीं है। अभी इस 1 के साथ यहाँ तो मुझे 1 दिखाई दे रहा है, तो ये मेरी एक पेयर अभी बन गई, देखो। तो ये पेयर मैंने अभी बना दी, इसकी बन गई, अभी ये बन गई। अभी अनयूज्ड 1 बाद में देखो कौन से अनयूज्ड 1 है, ठीक है। अभी मुझे दिखा फिर कि ये दोनों अनयूज्ड 1 है, इसके पास मैंने देखा, अभी इसके साथ अगर यहाँ दोनों 1 होते तो ऐसा पूरा आपका क्वाड बन जाता, बराबर है। तो क्वाड तो नहीं बन रहा है, तो पेयर की तरफ देखो, अभी ये दोनों 1 एक अगल बगल में आपको दिखाई दे रहे, तो यहाँ आपकी पेयर तो बन रही है। तो यहाँ अगर पेयर बन रही है तो देखो इस 1 के साथ, देखो ये 1 का इस 1 के साथ ऐसी पेयर तो आपकी बन गई। अभी सारे 1s तो आपके यूज हो गए,
अभी कोई भी आपका वन रिमेनिंग नहीं है, तो अभी हमें आउटपुट लिखना है। तो आउटपुट लिखते समय क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि ये आपकी दोनों जो पेयर आपने बनाई है ये आपकी वैलिड पेयर है या नहीं है। तो वैलिड पेयर कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था, देखो इस पेयर में दो वंस आपको दिखाई दे रहे, इसमें एक वन ऐसा जरूर हो जो एक ही बार यूज हुआ हो, तो ये वन एक ही पेयर में आया है, एक ही बार यूज हुआ है। ये भी वन देखो एक ही बार यूज हुआ है, यहाँ तो दोनों वन से जो एक ही बार यूज हुआ है मतलब ये आपकी वैलिड पेयर है, बराबर है। अभी इस पेयर की तरफ देखो, इसमें ये वन एक ही बार यूज हुआ है, ये भी वन इसके साथ एक ही बार यूज हुआ है, तो ये भी आपकी वैलिड पेयर है। यहाँ आपकी कंडीशन क्या है, एक ही वन होना चाहिए जो एक ही बार यूज हुआ हो, लेकिन यहाँ तो मतलब एक वन तो जरूर होना चाहिए, लेकिन या तो दो दो वन से जो एक ही बार यूज हुए तो ये तो डेफिनेटली आपकी वैलिड पेयर बना रही है। तो इसका आउटपुट अभी लिखेंगे। अभी पेयर में आपके एक ही वेरिएबल आपका रिड्यूस होता है, यहाँ थ्री वेरिएबल्स है तो थ्री वेरिएबल्स में से कोई भी एक वेरिएबल आपका रिड्यूस हो जाएगा पेयर लिखते समय। तो देखो यहाँ आपकी ये पेयर है, इसके पास देखो ए बार तो कांस्टेंट है, ए बार चेंज नहीं कर रहा है तो ए बार हम रिटेन करेंगे, बी बार भी कांस्टेंट है, यहाँ भी बी बार है, यहाँ भी बी बार है तो बी बार भी रिटेन करेंगे, सी बार का यहाँ सी हो रहा है तो सी बार का सी मतलब वेव सी वेरिएबल आपका चेंज हो रहा है तो सी वेरिएबल गायब हो गया, ए बार बी बार आपका आउटपुट आया, ठीक है। अभी प्लस करेंगे दूसरे वाले का आउटपुट लिखते समय, क्योंकि एसओपी फॉर्मेट है। अभी यहाँ देखो ए आपका रिटर्न होगा, एक ही बार आया है मतलब सॉरी कांस्टेंट है, और यहाँ बी आपका कांस्टेंट है तो वो भी रिटर्न होगा, सी का सी बार हो रहा है वो आपका गायब हो जाएगा। अभी देखो क्या आया आउटपुट, ए बार बी बार प्लस ए बी, क्या होता है, किसका आउटपुट है ये तो आपका एक्स नॉर गेट का आउटपुट है, मतलब ये आउटपुट क्या बना, ए एक्स नॉर बी, तो ऑप्शन में कहीं ए एक्स नॉर बी दिखाई देगा, नहीं तो ये आउटपुट दिखाई दे रहा, आप यहाँ सीधा टिक कर सकते हो, आपका प्रॉब्लम करेक्ट है, क्योंकि आउटपुट लिखते समय आपने देखा था कि सारे पेयर आपके वैलिड है या नहीं, तो वो आपने देखा था एक ही वन ऐसा जरूर है कि नहीं कि वो एक ही बार यूज हुआ है, तो वो भी देखा था, वो अगर अच्छे से देखते तो आपका यहाँ कोई भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं आता, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अच्छे से, तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ने चाहिए, ठीक है। अभी एक एक प्रॉब्लम में ले रहा हूं तो आप भी सॉल्व करके बाद में देख सकते हैं, मतलब आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है, बाद में आप पॉज करके सॉल्व करके बाद में भी देख सकते हैं। देखो अभी फंक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी, ये मैं ले रहा हूं प्रॉब्लम, इसमें डोंट केयर हम बाद में ऐड करेंगे, सबसे पहले ये देखो समेशन 0,1,3,6,7 में अभी ले रहा हूं, एसओपी फॉर्म में आपको दिया है ये, तो ये आपको के मैप में फिलअप करना है और उस इस आउटपुट को रिड्यूस करना है बाद में, ठीक है, तो रिडक्शन करना है आपको, बराबर है। तो देखो थ्री वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, थ्री वेरिएबल्स का के मैप में बनाऊंगा एज यूजुअल, तो देखो थ्री वेरिएबल्स का के मैप में बना रहा हूं, तो देखो थ्री वेरिएबल्स का के मैप मैंने बना दिया, यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ए मुझे दिखाई दी तो ए मैंने यहाँ ली, ए बार ए, यहाँ बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ठीक है। अभी देखो 0,1,2,3,4,5,6,7 ऐसा रहता है, ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, आपको अभी पता चल गया होगा। अभी देखो जीरो की तरफ वन आपकी एंट्री आएगी, ये वन वन यहाँ है तो वन का इसके वन एंट्री आएगी, थ्री का है थ्री यहाँ है तो थ्री में आपकी एंट्री वन आएगी, सिक्स का है सिक्स यहाँ है, सेवन का है सेवन यहाँ है, तो एंट्रीज वन वन सारी मैंने लिख ली, फाइव एंट्रीज वन वन है आपकी, एसओपी फॉर्मेट में आउटपुट दिया है आपको, ठीक है। अभी हम देखते हैं, तो देखो ये प्रॉब्लम आपका दो तरह से सॉल्व हो सकता है, ये भी है कि कोई बच्चा ऐसा सॉल्व कर सकता है, कोई बच्चा ऐसा सॉल्व कर सकता है, यही मैं बाद में ये के मैप यहाँ भी मैं एंट्रीज कर लेता हूँ, कोई ऐसा भी सॉल्व कर सकता है, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये अलग से मैं बना रहा हूँ, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ भी वही एंट्रीज मैं कर देता हूँ, कोई ऐसा सॉल्व कर सकता है कोई ऐसा, तो आपकी कंसेप्शन दूर करने के लिए मैं दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो अभी देखो सबसे पहले आप अनयूज्ड वन की तरफ देखो, ये अनयूज्ड वन है, इसके साथ क्या कोई क्वाड बन रहा है, यहाँ वन होता और यहाँ भी वन होता तो ऐसा पूरा क्वाड बन जाता, लेकिन नहीं है तो क्वाड नहीं बन रहा है। इस वन के साथ यहाँ अगल बगल में ये वन दिखाई दे रहा है तो ये तो एक पेयर तो बना रहा है, क्वाड तो नहीं बन रहा है ना इस वन का, तो पेयर तो बन रही है लेकिन इसके साथ, तो ये मैंने ऐसी पेयर बना दी। बाद में मैंने देखा कि ये मेरा वन अनयूज्ड है, ये मेरा वन अनयूज्ड है, तो इस वन के साथ मुझे क्या, यहाँ कोई वन अगर होता ना
तो यहाँ पूरा आपका क्वाड बन जाता, लेकिन यहाँ वन नहीं है इसीलिए हम क्वाड नहीं बना सकते। यहाँ भी वन होता तो ये वन तो रिपीटेडली हम यूज कर सकते, आपको पता है आपको ओवरलैपिंग अलाउड है। यहाँ अगर वन होता तो ऐसा पूरा हम क्वाड बना देते, लेकिन वो भी वन यहाँ नहीं है तो हम वो भी क्वाड नहीं बना सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, इस वन के साथ यही वन आपको अगल बगल में दिखाई दे रहा है और ये भी वन है, तो आप ऐसी एक पेयर बना सकते नहीं तो फिर इसके साथ आप पेयर बना सकते। तो मान लो आपने इसके साथ ये वन पहले देखा तो आपने ऐसी एक पेयर आपकी बना दी, तो बना दी आपने पेयर। अभी ये वन आपका रिमेनिंग है, ये वन अनयूज्ड है, इसकी तरफ आपने देखा इसके पास ये वन है, इसका पेयर बन सकता है। बाकी यहाँ वन होता तो क्वाड बन जाता लेकिन क्वाड पॉसिबल नहीं है अभी, तो इसके साथ यही वन है तो अभी ये ओवरलैपिंग करके आप ये पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो बना लिया आपने। अगर आपने ऐसा सॉल्व किया तो कर सकते, कोई बच्चा क्या करेगा, ये वन के साथ ये वन देख रहा है ये इसको पेयर बनाएगा, और अभी ये वन के साथ उसने ये वन अगर पहले देखा तो वो ऐसी एक पेयर बनाएगा, ये एक पेयर बनाएगा, और बाद में ये दोनों वन अनयूज्ड है, उसे लगा कि ये दोनों वन तो अनयूज्ड है इसकी एक पेयर बन सकती है तो उसने ऐसी बना दी। तो आप ऐसे भी बना सकते ऐसे भी बना सकते, तो फिर आउटपुट में क्या आता है वो भी हमें देखना जरूरी है, बराबर है। तो वो अभी हम देखने जा रहे हैं। तो देखो अभी क्या ये वैलिड पेयर है, चेक करो, इसमें तो दोनों वन से जो एक ही बार यूज हुए यहाँ तो कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है, मतलब ये वैलिड पेयर है, यहाँ ओवरलैपिंग है इस पेयर में, लेकिन इस पेयर में ये वन ऐसा जरूर है जो एक ही बार यूज हुआ है, ये वन दो बार यूज हुआ है, इस पेयर में भी आया है इस पेयर में भी आया ये वन, लेकिन ये वन तो एक ही बार यूज हुआ है मतलब ये भी वैलिड पेयर है। इस पेयर में देखो ये वन एक ही बार यूज हुआ है, ये अगर दोनों बार भी यूज हुआ होता लेकिन ये वन तो एक ही बार यूज हुआ है तो ये भी वैलिड पेयर है, तीनों आपकी वैलिड पेयर है। तो इस पेयर का आउटपुट लिखो, ए बार कांस्टेंट है, बी बार इसमें कांस्टेंट है, सी बार का सी होने जा रहा है यार, तो सी बार आपका रिटेन नहीं होगा, बाकी ए बार और बी बार रिटेन हो गए, तो इस पेयर का आउटपुट क्या हुआ, ए बार बी बार। अभी इसका देखो यहाँ बी सी दोनों कांस्टेंट है, ए बार का ए हो रहा है, ए चेंज कर रहा है, तो इसका आउटपुट बी सी आएगा इस पेयर का। अभी इस पेयर का आउटपुट लिखेंगे, ए कांस्टेंट है इसके साथ, यहाँ बी कांस्टेंट है, सी आपका चेंज कर रहा है तो बी ओनली रिटेन होगा। तो देखो इस पेयर का आउटपुट ये, इस पेयर का आउटपुट ये, इस पेयर का आउटपुट ये, हमने लिख लिया, बराबर है। अभी देखो ये सारे पेयर आपका एक ही वेरिएबल रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, बराबर कर रहे हैं, क्योंकि देखो थ्री वेरिएबल्स थे, यहाँ इस पेयर का आउटपुट दो वेरिएबल में आया, इस पेयर का आउटपुट दो वेरिएबल में आया, इस पेयर का भी आउटपुट दो वेरिएबल्स में आया, तो थ्री के टू वेरिएबल्स हुए कि नहीं पेयर में, मतलब पेयर में हमेशा एक वेरिएबल आपका गायब होता है, बाकी के वेरिएबल ऐसे के ऐसे ही रहते, तो ये आपका आउटपुट हो गया इस गेम ऐप का। अभी कोई बच्चे ने ऐसा किया होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा वो भी हम देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ ओवरलैपिंग हुई है, इस पेयर में ओवरलैपिंग है इस वन के साथ, लेकिन ये वन तो एक ऐसा जरूर है जो एक ही बार यूज हुआ है, तो ये अगर एक ही बार है तो ये वाली पूरी पेयर वैलिड है, तो ये वैलिड पेयर है तो इसका आउटपुट क्या है, ए बार और बी बार तो आपका सेम है यहाँ, सी बार रिटेन नहीं होगा, सिर्फ ए बार बी बार रिटेन हो गए, तो ए बार बी बार आउटपुट सेम आया, ये पेयर का भी आउटपुट ए बार बी बार था, इस पेयर का भी आउटपुट ए बार बी बार आया। अभी ये पेयर आपने ऐसी बनाई है तो इसमें इस पेयर में भी ये ओवरलैपिंग है इस वन के साथ, लेकिन ये वन तो आपका एक ही बार यूज हुआ है तो ये भी वैलिड पेयर है, तो ए बार और यहां से सी रिटेन होगा क्योंकि यहां सी कांस्टेंट है, बी बार का बी हो रहा है तो बी चेंज कर रहा है, तो ए बार सी इसका आउटपुट हुआ। अभी इस पेयर की तरफ देखो, यहां तो एक भी वन ऐसा नहीं है जो एक ही बार यूज हुआ, मतलब एक भी वन ऐसा नहीं जो बार बार यूज हुआ है, एक ही बार सारे वन यूज हुए, तो यहाँ तो ये डेफिनेटली आपकी वैलिड पेयर है, ए और यहाँ से बी रिटेन होगा, ए और बी, सी का सी बार हो रहा है तो सी बार गायब होगा, तो ये आउटपुट क्या है, देखो ए बार बी बार प्लस बी सी प्लस ए बी, और ये कोई बच्चे ने ऐसा सॉल्व किया उसका आउटपुट आया है ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी, तो ये दोनों टर्म देखो, ये दोनों टर्म तो सेम आई है लेकिन ये टर्म आपकी अलग आई है, इस बच्चे की बी सी आई है बीच वाली टर्म और इस बच्चे की ए बार सी आई है, तो क्या ये वैलिड है, तो बिल्कुल दोनों आंसर्स आपके यहाँ करेक्ट माने जाएंगे। कोई बच्चे ने ऐसा सॉल्व किया है ये के मैप, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, तो आप कहेंगे कि के मैप अगर आप बना रहे हैं और रिडक्शन रिड्यूस फॉर्म में आप आउटपुट अगर पा रहे हैं, तो देखो रिडक्शन फॉर्म में आपको आउटपुट अगर चाहिए और आपने ऐसा सॉल्व किया, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है आप कह रहे, तो यहां से तो एक मतलब निकल के आता है
कि कोई गेम ऐप ऐसे भी हो सकते कि जिसके मोर देन वन सॉल्यूशन आ सकते, तो बिल्कुल आ सकते। डेफिनेटली गेम ऐप कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। मतलब सारे गेम ऐप का ऐसा नहीं कि मोर देन वन सॉल्यूशन होगा, लेकिन कुछ गेम ऐप ऐसे जरूर होंगे जिसका सॉल्यूशन मोर देन वन सॉल्यूशन उसके पॉसिबल होंगे, तो डेफिनेटली वो ट्रू हो सकता है। मोर देन वन सॉल्यूशन आपका डेफिनेटली ट्रू हो सकता है, लेकिन सारे गेम ऐप के लिए वो ट्रू नहीं होगा। कोई गेम ऐप ऐसे होंगे जिसके दो सॉल्यूशन आ सकते, तो आपके एग्जाम में ये प्रॉब्लम आया होता तो ये भी इसका आंसर होता, ये भी इसका आंसर होता, दोनों करेक्ट है, ठीक है, ये आप मान लो। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही होनी चाहिए कि आपका जो आउटपुट है वो रिड्यूस फॉर्म में दोनों में आ रहा है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि इस आउटपुट में जितनी पेयर बनी या फिर जितने क्वाड बने या फिर जितने ऑक्टेट बने, वो दूसरा वाला जो आपका आंसर आया है उसमें भी उतने ही पेयर, उतने ही क्वाड, उतने ही ऑक्टेट बनने चाहिए। तो यहाँ देखो हमारी थ्री पेयर्स थी, यहाँ भी थ्री पेयर्स है, पेयर्स की पोजीशन अलग अलग है इसीलिए आपका एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। ये पेयर और ये पेयर, यहाँ भी ये पेयर और ये पेयर तो सेम है, लेकिन ये बीच वाली पेयर कोई बच्चे ने ऐसे बना दिए, कोई बच्चे ने ऐसे बना दिए, इसीलिए ये आउटपुट और ये आउटपुट में फर्क आया है। लेकिन यहाँ भी तीनों पेयर है, यहाँ भी तीनों पेयर है, तो पेयर यहाँ भी थ्री मिली, यहाँ भी थ्री मिली, तो सेम है। अगर यहाँ एक क्वाड बनता और एक पेयर बनती, और यहाँ भी एक क्वाड बनता और एक पेयर बनती, तो वो भी दोनों आउटपुट आपके बराबर माने जाते, दोनों आपके करेक्ट आंसर होते रिड्यूस फॉर्म में के मैप के। तो वो आपको सोचना है, इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपके कंसेप्ट और क्लियर होती जाएगी। तो आप लिख सकते नोटबुक में के मैप कैन हैव, K-map can have more than one solution. K-map can have more than one solution, but this is not necessarily true. Provided that K-map can have more than one solution bracket में provided that number of pairs slash quad slash octet should be same. Number of pair comma slash quad slash octet should be same. दोनों आउटपुट में वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी ये तो हमारा सवाल हो गया। अभी एक बात आपको अच्छे से मुझे और बतानी है। अगर कोई बच्चा सोचता कि मेरी ये भी एक पेयर बन रही है, मान लो उसने एक पेयर ऐसी भी बना दी बाद में, तो क्या ये वैलिड पेयर होगी? बिल्कुल नहीं। इसमें ओवरलैपिंग तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन इसमें ये दोनों वन एक से ज्यादा बार रिपीट हुए, ये वन इसके साथ, ये वन इसके साथ, तो इसमें तो दोनों वन एक से ज्यादा बार रिपीट हुए, तो उसमें अगर और ये एक पेयर इसमें बना दी होती तो वो वैलिड पेयर नहीं मानी जाती। अगर उसने इसका भी आउटपुट आउटपुट में लिखा होता तो वो रिडक्शन फॉर्म में आपका आउटपुट नहीं आता। इसलिए बार बार ओवरलैपिंग करके अगर आपने की है तो चेक भी तो करना जरूरी है कि वो आपकी वैलिड पेयर है या वैलिड ऑक्टेट है या वैलिड क्वाड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको वो आउटपुट में नहीं लिखना है, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अभी थ्री वेरिएबल के और प्रॉब्लम्स मुझे डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो और प्रॉब्लम्स हम लेने वाले यहाँ। अभी देखो ये हमने ले लिया, अभी डोंट केयर का एक प्रॉब्लम लेता हूं। लिखो फंक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू समेशन 0,1,6,7 प्लस डोंट केयर समेशन 3,5, ठीक है। लिखो तो अभी ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो ये कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। थ्री वेरिएबल्स है ए बी सी, तो थ्री वेरिएबल्स का के मैप आपका बनेगा। तो थ्री वेरिएबल्स का अगर के मैप बनेगा तो देखो थ्री वेरिएबल्स का के मैप कैसे ड्रॉ करता है आपको अभी पता है। मैं अभी मेरा स्पीड थोड़ा बढ़ा भी दिया मैंने, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, सारे एपिसोड आप अच्छे से देखते आए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट हमने अभी यहाँ क्लियर किया आपकी, ठीक है। अभी 0,1,2,3 ये होता, 4,5,6,7 ये होता, आपको पता है, वो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो अभी 0,1,6,7 की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 होगी क्योंकि ये एसओपी फॉर्म में आउटपुट दिया है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग एंट्री 1, इस 1 के करस्पॉन्डिंग एंट्री 1, 6 कहाँ है, 4,5,6 यहाँ होता है, 6 के करस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 हुई, ये आपको दिख नहीं रहा है कलर का पेन, ठीक है, अच्छे से देखो, ये एंट्री मैं 1 कर देता हूँ, अलग पेन से मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये एंट्री आपकी 1 हुई और ये 7 आपका यहाँ होता है, ये एंट्री आपकी 1 हुई। और डोंट केयर आपको दिया है 3 और 5 में, 3 और 5 में आपको डोंट केयर दिया है,
तो डोंट केयर जहां दिया है तो थ्री आपका यहाँ होता है और फाइव आपका यहाँ होता है, तो डोंट केयर का साइन ये है, ठीक है। डोंट केयर क्या होता है पता है आपको, पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा है कि आप जीरो भी मान सकते हैं, वन भी मान सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन आउटपुट लिखते समय आपको चेक करना है कि वो वैलिड पेयर या क्वाड या ऑक्टेट बना रहा है कि नहीं, ये चेक करके ही देखना है, ठीक है। तो फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी ये आप पॉज करके सॉल्व करो, बाद में देखो, और अगर अच्छे से आपको पता नहीं है तो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी ये वन मैंने सबसे पहले देखा, तो इस वन के साथ यहाँ नीचे एक वन अगर होता और यहाँ एक वन होता तो ऐसा पूरा मेरा क्वाड बन जाता कि नहीं, लेकिन नहीं बन रहा है क्योंकि नीचे यहाँ कोई वन नहीं, यहाँ ऊपर कोई वन नहीं, ठीक है। तो छोड़ दो, यहाँ आपका क्वाड तो नहीं बन रहा है, तो अभी पेयर तो बन रहा है ना, इसके साथ ये वन है तो ये मेरा पूरा पेयर बना रहा है, तो ये मेरी पेयर अभी बन गई, बराबर है, पेयर तो बन गई। अभी आप क्या देखेंगे, अभी आप गलती से आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास तो यहाँ डोंट केयर है, दो डोंट केयर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और दोनों डोंट केयर को अगर मैंने वन मान लिया तो यहाँ पूरा मेरा क्वाड बन सकता है कि नहीं, तो मैं ऐसा एक क्वाड बना देता हूं। तो बना सकते हैं आप, डेफिनेटली बना सकते हैं, इस दोनों डोंट केयर को आपने वन माना तो ऐसा पूरा आपका क्वाड बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और बाद में आप देखेंगे कि ये यूज्ड, ये जो वन है मेरा, ये तो मेरा अनयूज्ड वन है, तो अनयूज्ड वन है तो इसके साथ तो यही एक वन मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये एक पेयर बनाएगा, तो बिल्कुल बनाएगा, आपने बना दिया। अभी आउटपुट आप लिखेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी से आप अगर आउटपुट लिखेंगे यहाँ तो आप एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ा देंगे। आपको आउटपुट लिखते समय यहाँ क्या रूल फॉलो करने के लिए मैंने बोला है, रूल वही फॉलो करना है कि आप चेक करो पहले कि वो आपका वैलिड पेयर है या क्वाड है या ऑक्टेट है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले पेयर बनाई थी तो वो सबसे पहले चेक करो। देखो यहाँ इस पेयर में ये वन तो दो बार यूज हुआ है, एक क्वाड में भी आया है और यहाँ भी आया है पेयर में, तो इसका तो छोड़ दो, लेकिन ये वन तो एक ऐसा जरूर है जो एक ही बार यूज हुआ है, तो एक ही बार यूज हुआ है तो ये पेयर वैलिड है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बार, और यहाँ से क्या रिटर्न होगा, बी बार, तो ए बार बी बार लिख लिया मैंने। यहां से देखो प्लस करो, अभी यहाँ क्वाड देखो वैलिड है या नहीं है, क्वाड में कितने वन से, यहाँ तो दो ही वन से क्वाड में, ये दो वन से, डोंट केयर को आपने वन माना है आपके दिमाग में क्या, लेकिन ओरिजिनली ये वन थे डोंट केयर में, वो आपने माने, या यहाँ तो दो ओरिजिनली तो दो ही वन से, तो वो दो वन की तरफ देखो, क्या ये दोनों वन से एक से ज्यादा बार यूज हुए है या नहीं हुए, तो ये वन तो एक से ज्यादा बार यूज हुआ है, इस पेयर में भी आया, इस क्वाड में भी आया, ये भी वन इस पेयर में भी आया, इस क्वाड में भी आया, तो ये भी एक से ज्यादा बार यूज हुआ है, तो दोनों वन एक से ज्यादा बार यूज हुआ है, तो ये आपका क्वाड वैलिड क्वाड नहीं है, इतना ध्यान दो, ठीक है। तो इट इज नॉट वैलिड क्वाड, ये आपका वैलिड क्वाड नहीं है, इसका कोई भी आउटपुट आप नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो आप एक्स्ट्रा टर्म बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ गेट्स आपकी बढ़ जाएंगी, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, सर्किट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप फालतू ज्यादा पैसे क्यों देंगे, बराबर है। तो रिडक्शन फॉर्म में आपको आउटपुट चाहिए तो कॉम्प्लेक्सिटी आपको बढ़ानी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है आपको सर्किट की, ठीक है। तो अभी देखो ये पेयर, देखो इस पेयर की तरफ देखो, ये तो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि इसमें ये वन है कि वो एक ही बार यूज हुआ है, बराबर है। तो देखो ये ए, इसका आउटपुट ए यहां से, और यहां से क्या है, बी रिटर्न होगा, सी चेंज कर रहा है, तो ए बार बी बार प्लस ए बी, ये आपका इसका आउटपुट हुआ, बराबर है। तो ये आपका आउटपुट हो गया ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आपका पूरा आउटपुट हो गया, ये किसका आउटपुट है, एक्स नॉर गेट का आउटपुट है, ए एक्स नॉर बी, वही आउटपुट आपको मिला। अगर आपने क्वाड का आउटपुट लिखा होता, जो रूल मैंने आपको बताया वो आपने फॉलो नहीं किया होता, तो इस क्वाड का आउटपुट क्या आता एट दैट टाइम, इस क्वाड का आउटपुट आता, क्वाड में कितने वेरिएबल्स रिड्यूस होते, दो, तो यहाँ तीन वेरिएबल से तो दो रिड्यूस हो जाते, एक ही वेरिएबल में आपका इस क्वाड का आंसर आता। ए बार का ए हो रहा है तो ये ए चेंज कर रहा है तो आप वो नहीं लिखते, यहां से बी बार का बी है, सी का सी है, सी का सी वैसा का वैसा है, वो चेंज नहीं कर रहा है तो आप वो लिखते, और बी का बी तो चेंज कर रहा है, बी बार का बी, वो नहीं लिखते, तो वो सी इसका आंसर होता क्वाड का, और सी आपने ऐसा जोड़ दिया होता तो ये तो पूरा एक्स्ट्रा टर्म बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता, ये आपको एक्स्ट्रा गेट लगता यहाँ, तो वो आपको नहीं चाहिए, इसीलिए आपको देखना है कि वो वैलिड क्वाड थी आपकी कि नहीं थी, तो वो आपकी वैलिड क्वाड नहीं थी तो आप वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, एक और प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूं,
फंक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी थ्री वेरिएबल्स है, ठीक है, थ्री वेरिएबल्स के लिए समेशन 1, 3, 6, 7। अभी यहां से आपको पता चल जाएगा जो मैंने आपको बुलियन थ्योरम सिखाए थे, तो बुलियन थ्योरम आपको जब सिखाए थे वहां हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, आपको पता होगा ए बार बी प्लस ए सी इज इक्वल ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू आपका होता है ए बार बी प्लस ए सी। ये रिडंडेंसी थ्योरम कैनोनिकल फॉर्म में आपका जो होता है आपका कंसेंसस थ्योरम आप इसे कहते हैं, बराबर है। तो कंसेंसस थ्योरम आपने डिस्कस किया था, वहां मैंने आपको बताया था कि ये दोनों टर्म ही आपके आउटपुट में आई, ये एक्स्ट्रा रिडंडेंसी क्रिएट करती थे, एक्स्ट्रा रिडंडेंसी ये क्रिएट करती थी, और ये रिडंडेंसी होने की वजह से आउटपुट में लिखने की जरूरत नहीं है, जो आउटपुट ये प्रोवाइड करता वही आउटपुट ये प्रोवाइड करता, ये मैंने आपको बताया था थ्योरम में, बराबर है, जब हमने बुलियन थ्योरम डिस्कस किया था। और मैंने आपको वो बताया था वहां कि देखो यहाँ ए है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ दिखाई दे, तो ए बार का कॉम्प्लीमेंट ए आपको यहाँ दिखाई दे, और दोनों टर्म इसके पास बी सी वही आपको अगर यहाँ दिखाई दे तो उसका आउटपुट आपका यही होगा, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको क्या बोला था, मैं ये प्रूव करूंगा जब मैं आपको के मैप पढ़ाऊंगा, तो अभी मैं के मैप पढ़ा रहा हूं तो ये पूरा प्रूव कर देता हूं आपका कि ये कैसा आता है, ठीक है। तो ये थ्योरम आपका कंसेंसस में के मैप से प्रूव करने जा रहा हूं, तो इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम यहां सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो अभी देखो थ्री वेरिएबल्स है, तो थ्री वेरिएबल्स का के मैप बनाते हैं, तो बना दिया मैंने ये थ्री वेरिएबल्स का के मैप। ए मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अभी देखो इसको हम प्रूव करते, तो देखो 1, 3, 6, 7 में आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, एंट्रीज आपकी 1 आएगी बॉक्स में, क्योंकि ये एसओपी फॉर्म में आपको आउटपुट दिया है। तो 1 कहाँ है आपका, 1 यहाँ है तो ये 1 होगा, 3 का है, 3 यहाँ है तो इसकी एंट्री 1, 6 का है, 6 यहाँ है, और 7 यहाँ है, तो एंट्रीज मैंने कर दी 1, 1, ठीक है। अभी देखो आप इसे सॉल्व करो, तो आप सॉल्व करने तो सॉल्व कर रहे तो क्या देखो यहाँ भी मैं दो यहाँ भी आप कैसे सोच सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ फिर से मैं वही के मैप बनाता हूँ, तो देखो यहाँ पूरा के मैप मैंने फिर से यहाँ बना दिया वही के मैप, क्योंकि दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते थे, तो ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बी बार सी, बी सी, बी सी बार, यहाँ भी वही एंट्रीज कर दो जो हमने यहाँ की है, 1, 1, 1, 1। तो देखो अभी यहाँ इसे मैं पहले सॉल्व करता हूँ। कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है कि इसने पहले वो वन देखा, इस बच्चे ने, ये वाले बच्चे ने ये वन पहले देखा और इस वन के साथ यही वन उसे दिखाई दिया, तो उसने ये पेयर बना दी, ठीक है, तो वो पेयर इसमें ऐसा बना देगा, ये पेयर इसने ऐसी बना दी, तो ये पेयर इसने बना दी। अभी उसने क्या देखा कि ये वन देखा अनयूज्ड है मेरा, तो इसके साथ तो मैं इसके साथ ये वन है तो ये एक पेयर बना है, बना रहा है कि नहीं, तो इसने वो पेयर बना दी, ठीक है। तो पूरा पूरे सारे वंस उसके ये जो अनयूज्ड है, अनयूज्ड वंस सारे उसके कंप्लीट हो गए, सारे वंस यूज हो गए तो उसका पूरा हो गया। कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है उसने वो ये वन पहले देखा, इसके साथ ये वन था, इसकी इसने पेयर बना दी, लेकिन ये वन जब उसने देखा तो उसको लगा कि इसके साथ ये वन तो है और ओवरलैपिंग तो अलाउड है, तो मैं इसके साथ ये पेयर करूंगा, तो उसने वो कर दिया। और बाद में उसे एक वन तो अनयूज दिखा, तो उसने कहा कि ये वन है, इसके साथ तो ये वन मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसकी भी मैं पेयर बना देता हूं। तो यहाँ थ्री पेयर्स इसने क्रिएट कर दी, इस बच्चे ने, इसने दो पेयर्स क्रिएट कर दी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा और इसका क्या आएगा देखते हैं फिर। तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये पेयर वैलिड है कि नहीं, क्योंकि इसमें दोनों वन से एक ही बार, एक ही बार आपका एक ही बार यूज हुए दोनों वन से, तो ए बार और यहां से क्या रिटर्न होगा, सी रिटर्न होगा, बी गायब हो जाएगा, तो ए बार सी प्लस ए बार सी आया। देखो मैं यही पेन यूज करता हूं, ये दोनों चल नहीं रहे, ठीक है, ए बार सी प्लस, अभी देखो ये पेयर का आउटपुट क्या लिखेंगे, ए और यहां से क्या रिटर्न होगा, बी रिटर्न होगा, ए बार सी प्लस ए बी, इसने यहाँ आउटपुट लिख लिया, यहाँ सी का सी बार हो रहा था तो सी आपका गायब हो गया। अभी यहाँ आउटपुट देखो, देखो यहाँ उसने मान लो इस बच्चे ने देखा ही नहीं कि ये पेयर वैलिड है कि नहीं, मतलब देखो अगर देखा होता तो ये पेयर वैलिड है, क्योंकि इसमें एक वन ऐसा है कि जो एक ही बार यूज हुआ है, ये पेयर भी वैलिड है, इसमें ये वन एक ही बार यूज हुआ है, लेकिन ये पेयर जो इस बच्चे ने बनाई है ये तो इनवैलिड है, क्योंकि इसमें दोनों वंस एक से ज्यादा बार यूज हुए, दोनों वंस,
तो ये तो इनवैलिड पेयर है। लेकिन वो बच्चा, उसने पूरा एपिसोड देखे नहीं ऐसा है, शायद अगर वो ऐसा बच्चा होता तो इसने क्या लिखा होता, ये पेयर का भी आउटपुट लिख लिया होता मान लो, तो वो क्या लिखता, इस पेयर का आउटपुट लिखता तो क्या लिखता, ए बार सी, तो ए बार सी प्लस इस पेयर को उसने वैलिड मान लिया और आउटपुट क्या लिख लिया, बी सी, और इस पेयर को उसने आउटपुट लिखा ए और यहां से बी रिटर्न होगा तो ए बी लिखा। तो इसने थ्री टर्म्स क्रिएट किया, इसने दो टर्म्स क्रिएट की, तो ज्यादा रिड्यूस फॉर्म में तो ये आउटपुट आया, तो इस बच्चे का आंसर करेक्ट आएगा, इस बच्चे का रॉन्ग आएगा, क्योंकि इसने पूरा देखा नहीं कि वैलिड है कि नहीं, बराबर है। अभी इससे हम क्या प्रूव करने जा रहे, इससे हम प्रूव करने जा रहे हमारा कंसेंसस थ्योरम। ये दोनों आउटपुट, जो आउटपुट आपको ये दे रहा है वही आउटपुट ये फॉर्म भी आपको देगा, वो जो आउटपुट ये फॉर्म देगा वही आउटपुट ये फॉर्म भी देगा, लेकिन ये ज्यादा रिड्यूस है, तो दोनों इक्वल है कि नहीं है। ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या बना, ए बार सी प्लस ए बी बना। तो आप दोनों टर्म्स का आउटपुट लिखेंगे या तीन टर्म्स का लिखेंगे, आप दोनों टर्म्स का ही लिखेंगे ना, जो मिनिमाइज्ड है वही आउटपुट आप लेंगे। तो देखो ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बी, यहाँ देखो ए बार है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, ए बार का कॉम्प्लीमेंट ए दिखाई दे रहा है, और ए बार के साथ सी था और इस ए के साथ बी था, तो सी भी आपको यहाँ दिखाई दे, तो ये टर्म गायब हुई कि नहीं, यहाँ यहाँ वही आया ए बार सी प्लस ए बी, यहाँ देखो ए बार सी प्लस ए बी, बी सी टर्म गायब हो गई। तो यही है आपका कंसेंसस थ्योरम जो के मैप से हमने यहाँ प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ऐसा आपको सोचना है ये वैलिड है कि नहीं, वो आपको निकालना बहुत ही जरूरी हो गया है, वो अगर आप अच्छे से नहीं निकालते तो आप गलत हो जाएंगे, डेफिनेटली आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको देखना जरूरी है। अभी हम देखने वाले और एक प्रॉब्लम, ठीक है, एक प्रॉब्लम हम देखते हैं थ्री वेरिएबल्स के लिए। तो देखो अभी हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत आपका एपिसोड लंबा हो गया है, अगले वाले एपिसोड में हम आगे का डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, थैंक यू वेरी मच।